अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ वसीम शहजाद, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आई होप के सब लोग ठीक ठाक जबरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर लाजमी कर लो। सूरज सामने है मेरी आंखों के और ऐसे ना आंखों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। इस सूरज इतने दिनों बाद धूप देखी ना, जो रोज़ाना धुंध ही धुंध होती थी, सूरज देखने को ही नहीं मिलता था। आज ना आंखों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, सूरज ऐसे मेरे सामने लग रहा था। तभी छत पे बैठा था भाई, नाखन कट किए हैं। धूप में नाखन काटने का भी एक अलग ही स्वाद है, जैसे धूप में माल्टे खाने का स्वाद है ना, उसी तरह से नाखन काटने का भी स्वाद है। तो अभी मैंने नहाना है, शावर लेना है, तकरीबन 12 बज गए हैं। नहा धो के रेडी होकर मैंने जाना है जी वली में पे, दोस्त का वलीमा है। आज उसकी शादी हो गई है, वो भी भाई सर्दियों में शादी के बंधन में बन चुका है। तो नहा के वलीमे के लिए निकलना है और लेग्जी को नाश्ता करने छत पर बांधा है। धूप निकली है ना, तो ये भी धूप से एक लिए थोड़ी सी फ्रेश हो जाएगी। हाँ इधर फेंक, हाथ से नहीं खेलना, इधर फेंक, चल तू उधर ही खड़ो। हाँ पाँव से सीधा तो मारना उसको, बड़ा तू रोनाल्डो। चल रेडी, चलें जी अभी हम थोड़ी देर खेल लें। टाइम है, टाइम एग्जैक्ट 12:10 हो गए, फिर मैं नहाऊंगा। मैं नहा धो के हो गया हूँ जी रेडी, और अभी ना टाइम तकरीबन 1 बज गया है। गाड़ी मैंने बाहर से पहले वॉश कर दी थी ताकि ना बाद में ताकत अंदर से साफ़ करे और मैं नहा लूँ, तो मैंने नहा लिया है। हर बार जब भी गाड़ी कहीं लेके जानी होती है या धुलवानी होती है तो मैं ही करता हूँ। तकरीबन 2 महीने से ना गाड़ी मैं ही धो रहा था। हाँ तो और क्या, इस बार सदाकत धोई फिर भी मैंने ही है। अंदर से अम्मा इसने मारा ना कपड़ा, अम्मा वो भी अम्मा ने थोड़ी बहुत हेल्प की है, फिर इसने जाके अंदर से कपड़ा मारा है। ज्यादा नहीं हो गया, मैं कहता ज्यादा नहीं, बिल्कुल एक्यूरेट हो रहा है। अच्छा बाकी छोड़े, मुझे कपड़े बताएं फिर कैसे लग रहे। लग रहा हूँ शहजादा प्रिंस सदाकत की ना सदाकत, अब इतना जैसी मारा ने, काश उस वक्त मैंने इसको 6,000 दिया होता और 7-8 हज़ार का सूट मैंने इसे ले लिया होता तो कितना अच्छा लगता। अब जैसी मार रहा है, कितने अच्छे कपड़े लग रहे हैं। मैंने फिटिंग फुटिंग करवाई है ना, चेक करो, सलवार भी ठीक हो गई है, कमीज भी ठीक हो गया है, और भाई बाजू तो ऐसे लग रहे हैं ना जैसे कोई बिजनेस मैन के होते। तो अभी भाई मैंने शादी पे जाना है तो जैकेट शैकेट ऊपर से कोई कोट वगैरह पहनूंगा। ये तो मैंने ये उम्रे के लिए थे, लेकिन अब शादी आ गई तो चलो कोई बात नहीं, एक बार वॉश हो जाएंगे तो सारे ना उम्रे पे भी यही चल जाएंगे। लास्ट टाइम मैं वलीमे पे गया था ना, तो मैं ढेर सारा पूरा पैकेट इनवेलप का लेके आया था, वो सलामी देने के लिए जो यूज़ करते हैं, और मैंने अम्मा को दिए थे कि कहीं रख देना। अम्मा मुझे लगता है गुम करके खड़ी, यहाँ मिल नहीं रहे। इधर कहाँ रखे हैं, वो अलग से थे, यहाँ नहीं रखे होंगे, कहीं और रखे होंगे आपने। नहीं है इसमें भी नहीं है, इधर रखे ही नहीं थे आपने। अब वो मिल नहीं रहा भाई, आज फिर मैं वलीमे पे जा रहा हूँ तो सलामी देनी है। तो वही ढूंढ रहे हैं कहीं से मिल जाए। हाँ जी भाई मिल गए हैं जी इनवेलप, तो अब इनको मैं रखता हूँ फिर याद रहेंगे। एक निकाल लेता हूँ, एक ही देना है ना, सारे तो नहीं देने, और बाकी जो है ना मैं इनको, अब मैं इनको इधर रख रहा हूँ, ये जब भी शादियां होती है ना घर वाले मुझे ही भेजते हैं सारी सलामियाँ सलूमियाँ, मैं ही दे रहा हूँ। असल में ना अब मेरे दोस्तों के सब बाकी सबकी शादियां हो गई हैं, जो बड़े भाइयों के दोस्त थे, अब मेरे दोस्त ही रह गए हैं, अब उनकी शादियां शुरू हैं तो मुझे ही जाना पड़ता है ज़्यादातर शादियों पर। अभी जो है ना मैं इसके ऊपर अपना नाम वगैरह लिख लेता हूँ। हाँ जी अम्मा जी, कितने डालू फिर इसमें? अच्छा मेरा तो दिल कर रहा है मैं पर्स ना डाल, इसमें अपनी सलामी डाल देता हूँ। और खानी नहीं है, मैंने मुझे शर्म आती है सलामियाँ दिखाते हुए। कहते हैं ये लड़की दे तो दुल्हन और लड़का दे तो दूल्हे का हक होता है, वो खुद देख के जितनी भी जा रही है, किसी बाहर के बंदे को नहीं दिखानी चाहिए। ऐसे फिर अच्छा नहीं लगता ना, कोई कम देर हो। इनवेलप में देने का मकसद यही होता है कि कोई कम देर होता है, कोई ज्यादा देर होता है, तो किसी की दिल आजारी ना हो, और वो ये ना फील करे कि मैं कम दे रहा हूँ, या दूसरा ये ना फील करे कि मैं ज्यादा दे रहा हूँ। तो इनवेलप में ऐसे डाल के दे दो, और ना उसको कोई मसला हो, ना देने वाले ना लेने वाले, ऐसे भाई दुल्हन मियां को दे देंगे तो काम हो जाएगा। मैं घर से रेडी होके आ गया था, अभी गजनफर के घर आया था,
और ये चौरी साहब भी आ गए लेट 10 मिनट इंतज़ार करवाने के बाद, इनको भी बुलाया हुआ था उन्होंने। तो अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ जाओ सरकार। यार एक मैं ही हूँ जो वक्त का पाबंद हूँ, नहीं तो कोई भी वक्त का पाबंद नहीं। क्या हुआ, कोई और भी आना है? किसने? छोटा मेरा। अच्छा सही है, मैं एक अकेला ही हूँ जो वक्त का पाबंद हूँ। गजनफर का छोटा भी आ गया। क्या नाम है भाई छोटे? इस्लाम दे, मेरा हाथ नहीं पहुंच रहा वहां तक। क्या नाम है? अली नवा। अच्छा जी अभी चलते हैं जी, और वलीमे पे जाके कोई खाना पीना करते हैं। यार ये खाना? बंदा मीठे चावल खाने के लिए आ रहा है। बस सर मीठे चावल खाने तो घर बना के खिला रहे। नहीं यार घर वाले नहीं, ये कहते शादी वाले खाने। चलो ये मेरा पता नहीं मीठे चावल भी हैं या नहीं वलीमे में, पता नहीं यार। चले जी अभी चलते हैं। यार मैंने कोट पहन लिया, मुझे ना स्टीयरिंग भी नहीं घुमाया जा रहा, इतना टाइट हो गया, मोटा हो गया ना। खैर जाके आगे जाके मिलते हैं इंशाल्लाह, खिलाते हैं तुझे मीठे चावल भी आए। शादी से हमने हो लिया है और खाना हमने दबा के खाया। हाँ भाई चावल खा लिए थे? चावल खाए थे? कितने खाए थे बता ना अब, शिनवार है। इसने भाई चावल, इसको मैंने आज कम खिलाया कि रोटी पे इसको तवज्जो दिलवाई, रोटी खा। तो अभी हम भाई वापसी से गुजर रहे थे, रास्ते में नहर आती है, व्यू चेक करो कमाल का, बादल भी हैं, कभी सूरज छुप जाता है कभी निकल आता है, और इधर नहर का व्यू कमाल का आ रहा है। भाई लड़का कहता है कि पिक्चर बनवानी है। बनवानी है बाप बेटे ने? कहाँ पे बनवानी है, यहाँ तो सारी मिट्टी सी है सारी, फिर इधर आओ ना नहर पे, व्यू तो आए ना। इधर बनाऊँ? हाँ कैसे बनानी है, ऐसे सीधे खड़े होकर। पिक्चर्स वगैरह हमने कुछ बना ली हैं, अभी हम ना भाई घर के लिए निकलेंगे। नहर पे ना व्यू बड़ा अच्छा आ रहा था, तो थोड़ी देर रुक गए थे। पानी तो वैसे गंदा आ रहा है, पता नहीं ये क्या मसला है। वो वाली जो उस तरफ कच्ची नहर है, इस तरफ ये पक्की नहर है। तो चलें। चलो भाई और बनानी है बस। तो अभी वापस घर चलते हैं। सदाकर ने मुझे कहा था कि मेरे बूट बिल्कुल गंदे नहीं होने चाहिए, और वो मैंने कर दिए घट्टे जो मिट्टी में आ गए। कह रहा कोई नहीं हो जाएंगे, मैं उसके साथ ना सौदा जाके मुकाता हूँ इसका कि ये मुझे दे दे। नया ले लेगा खुद। तो इंशाल्लाह फिर जाके बाकी का ब्लॉग घर जाके कंटिन्यू करते हैं। भाई शादी में वो क्या कहते हैं ना, बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, वैसे तो दोस्त की शादी थी लेकिन दोस्त के अलावा बहुत कम लोग थे जानने वाले। तो खाना भाई मज़े का था, चिकन भी था, बीफ थी भी था, और मीठे राइस भी थे। अच्छा बता भी दे कितने चावल खाए थे मीठे, कितनी प्लेट खाई थी? 5 प्लेटें। सही है सही है। घर हम पहुंच गए हैं अभी, इन गजनफर लोगों को छोड़ने आया था। हाँ जी भाई कैसी रही शादी? अच्छी थी या गुजारा? क्या बोल क्यों नहीं रहा घर में? तो मैंने सुना बहुत बोलता है ये, पता नहीं यार इसको क्या हुआ बैठा। अच्छा बोल, ठीक है चाचा के साथ बात कर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जाओगे? ओके अल्लाह हाफिज। हाँ घर जा गया तेरी दुर्गत बनावनी है, तू मेनू नाल लैके गया, मेरी गल सुनवाइया तू मेनू, तू मेरा क्यों जा पियो। ठीक है ओके अल्लाह, ओके मेहरबानी। चैलेंज अभी मैं भी घर चलता हूँ इंशाल्लाह, फिर मिलते हैं। वापस घर आ गया हूँ, और शादी भी अल्हम्दुलिल्लाह खैर वाफिया से अच्छी गुजर गई। वलीमा था शादी, तो खैर पहले दिन ही हो गई थी, अब तो वो क्या कहते हैं ना बाद वाली रसूमात हो रही थी। और अम्मा रही इधर, आज जो है ना भाई अम्मा बादल बड़े प्यारे लग रहे हैं। खैर है नहरों पे रुका हूँ, वहाँ पे इतना प्यारा आसमान लग रहा था ना, आप देखो चेक करो ऐसे, मतलब ने एक सीक्वेंस में बादल लेयर्स बना के खड़े हैं, और जहाँ पे ये सूरज छुपा हुआ है कितना प्यारा लग रहा है। शादी भाई हो गई है? अच्छा चंगी शादी हो गई है। काफी लोग आए हुए थे, उन्होंने तो काफी लोगों को बुलाया हुआ था। अच्छा। रश था बहुत ज्यादा। ताकत भी नहा दो के आ गया, देख ले तेरे बूट साफ सुथरे ले आया हूं। ऊपर मिट्टी लगी हुई है। अम्मा मेरा बूट पीछे क्यों पै गया है? दा कितना लेना है? 10 मुनासिब अम्मा देख ला।
कोई चीज मार के आया उते आवे आ इतनी लगती है मैं रहता पेरिस में हूं कि वहां पे मतलब कि इक्वल रोड मिले मतलब को क्या कहते हैं लेवल रोड कहीं ठुड्डे कहीं ईंटें कहीं पत्थर फिर ऐसी तो लगती है रेट दस तू कितने से बेचना है 2000 रुपया बोलिया ला जब से लिया है मैंने एक दफा भी नहीं पहना लिया कितने का था 4500 रुपया लिया था 2500 रुपया लेने तक गल कर ठीक है भाजी अब मैंने इसे कहा 2500 रुपये में नहीं बेच रहा मैं इसको उसी वक्त छूट लेके आया 8000 का और इसको मैंने 6000 का 2000 कम किया था अब मैंने इसको 2500 कहा है इसने नहीं दिया तो इसी के मेरे नहीं है बस यहीं पे बोलियां खत्म तो अभी जो है ना मैं अपना कोट उतारता हूँ बड़ा मुश्किल कर रहा है मुझे बहुत तंग कर रहा है ऐसे ऐसे करता हूँ जैसे अभी फट जाएगा थोड़ा सा भारी हो गया ना भाई ये मैंने बनवाया था बहुत अर्सा पहले उस वक्त पूरा था अभी भारी हो गया तो थोड़ा टाइट हो गया तो ये भी उतारता हूँ कपड़े छपड़े चेंज करते हैं फिलहाल वीडियो को भी करते हैं खत्म जैसे जैसे शाम हो रही है ना ठंड बढ़ती जा रही है तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मस्ट है अपने ढेर से ख्याल रखिए दुआ में याद रखिए टिल द नेक्स्ट वीडियो पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।